एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार भूमाफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई कर पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम कर रही है, तो वही अधिकारियों से मिलीभगत कर एक बटाईदार ने खेत स्वामी को निसंतान दिखाकर भूमि स्वामी की पत्नी एवं बटाईदार की पत्नी का समनाम होने के कारण बटाईदार ने RO से मिलकर खेत स्वामी की मृत्यु के बाद अपनी पत्नी के नाम करोड़ों की अचल संपत्ति का बारिश दिखाकर फौती करा ली, जबकि भूमि स्वामी के चार पुत्रियां आज भी जीवित है। बटाईदार द्वारा धोखाधड़ी की जानकारी मिलते ही अब चारों पुत्रियां न्याय पाने के लिए 4 साल से लगातार अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर कटा रही हैं। लगातार शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक कोई भी अधिकारी शिकायती पत्र लेकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, लेकिन दोषियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगर इस मामले में जांच हुई तो बटाईदार सहित भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर गाज टूटेगी। बता दें चले कि पूरा मामला जनपद मैनपुरी के तहसील मैनपुरी ग्राम सगौनी का है। इस गाँव में रहने वाली दिवारी लाल पुत्र गुलजारी लाल वाल्मीकि की जानकी दोपरा द्रोपा उर्फ द्रौपदी और सत्यवती सहित चार पुत्रियां हैं। दिवारी लाल ट्रैक्टर चलाने का काम करता था। दिवारी लाल ने अपने चारों पुत्रों की शादी कर दी थी। दिवारी लाल की 15 बीघा भूमि गाटा संख्या 73 मी 0405 व 78 मी के पड़ोसी गांव रानीपुर निवासी कप्तान सिंह लोधी बटाई पर जोतने का काम करता था। तिवारी लाल की पत्नी महारानी वाल्मीकि था, तो वही कप्तान की पत्नी का नाम भी महारानी है, जिसका पूर्ण फायदा उठाकर दिवारी लाल की मृत्यु के बाद बटाईदार कप्तान सिंह ने RO से मिलकर अपनी पत्नी के नाम फौती करा ली, जिसकी जानकारी जब पुत्रियों को हुई तो उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस के अलावा जिलाधिकारी SDM मैनपुरी को कई शिकायती पत्र दिए, लेकिन 4 साल के जाने के बावजूद भी धोखाधड़ी करने वाले कप्तान सिंह लोधी एवं फेरबदल करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। जैसा कि आपकी सिस्टर ने बताया कि खेत पे कब्जा किए हुए हैं, बटाई पे काम करता रहा, आप कितनी बहनें हैं? हम लोग 4 बहनें हैं। जैसे कि सबसे बड़ी जानकी, उसके बाद रूपा, उसके बाद सत्य। तो ये जो ना उन्होंने कब्जा कैसे कर लिया आपका? कब्जा वो बटाई पे करते थे जी, तो बटाई पे उन्होंने कर रखा था, तो बटाई पे आधा देते थे वो हम लोग को, आधा हम लोग पापा जो भी लगता था, पैसे जो भी देते थे या अनाज होता था आधा देते थे। पापा एक्सपायर हुए 2009 में, तो पापा के एक्सपायर होने के बाद जब हम लोगों ने उनसे बोला तो उन्होंने हम लोग अनाज वगैरह कुछ नहीं दिया ना पैसे दिए। जब हम लोगों ने जब उनसे और बात करी तो वो लोग हमको धमकाने लगे, मारने की भी धमकी दी, यहाँ तक कि हमारा घर है वो भी कब्जा कर रखा है, वो हमारे गाँव का ही है, हमारे पड़ोस का धोती है, तो उसने घर पे कब्जा किया है। उन्होंने बाउंड्री लगा ली, 5 मकान थे, 500 मकान हमारे तोड़ दिए। क्या उन्होंने किस तरह से कब्जा कर लिया? क्या आपको मतलब उनकी कोई बारिश नहीं दिखाया क्या? मेरे पापा की बारिश तो पापा हमारे मैरिड थे, लेकिन उन्होंने अनमैरिड दिखाया, उनका बारिश नहीं दिखाया। अच्छा, कोई बारिश नहीं है, वो शादीशुदा नहीं थे, वो अनमैरिड था, ये दिखाया है कप्तान सिंह ने, उन्होंने ये दिखाया। और जबकि आप जबकि हम लोग 4 बहने हैं जी, और हम लोग के पास प्रूफ भी है, 4 बहने हमारी मौजूद भी है, हम लोग इस चीज को भी प्रूफ कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम द्रौपदी है। कहाँ की रहने वाली हो? सगौनी का। किस थाने में पड़ता है ये? आज आप DM साहब से मिलने आई हैं, आपने ज्ञापन दिया, क्या पूरा काम मामला क्या है जरा बताएंगे? हाँ, मेरा खेत है जो बटाई पे करते थे कप्तान सिंह जी, तो उन्होंने अपनी बीवी के नाम में करा रखा अगर सब जैसे। अच्छा। हम लोगों को नहीं पता चला, जब हम लोगों को पता चला मेरे पापा की डेथ हो गई है 2009 में हुई है जी, तो उसके बाद जो हम लोगों ने तो खेत छोड़ नहीं रहे। अच्छा। इसलिए हम लोग एप्लीकेशन लगाते हैं, 4-5 साल हो गए हम लोग लगाते हैं, कोई सुनवाई नहीं। 5 साल से लगातार भाग रहे, 5 साल से लगातार भाग रहे, थाने में भी, कोतवाली में भी और कचहरी में, और कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई, कोई अधिकारी ना वकील ना कोई सुनवाई नहीं करता है, लगातार परेशान है बहुत ज्यादा 5 साल से बात बात के। अच्छा, तो जाते हैं तो धमकाते भी हैं, डराओगे तो चाल से मारेंगे। कौन वो कप्तान सिंह? कप्तान सिंह भी, और गांव की जो हमारा घर था वो नानक चंद ने दे रखा था, पोस्ट मैन है, वो घर नहीं जाने देता, सारा घर तोड़ दिया, हम जाएं तो जाएं कहां? अच्छा, तो मतलब कब्जा नहीं करना, मतलब नहीं छोड़ रहे हैं, छोड़ ही नहीं रहे, दोनों नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छा, अगर अधिकारियों की बात की जाए तो क्या अधिकारी इस संबंध में क्या कर रहे हैं? आपको कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे, कुछ नहीं, एक पैसे का काम नहीं, हर जगह लेटर लगा देते हैं। ठीक, आपका घर बार का क्या क्या यातना सहनी पड़ी? बहुत कुछ सहना पड़ रहा है, आज भी अब बेघर खड़े हुए हैं, बेघर घर है जो नानक चंद ने कब्जा कर रखा वो धो दिया जी, कप्तान ने मेरा खेत कब्जा कर रखा, पुलिस चौकी हम गए हैं, अभी भी गए हैं, आज भी हमारी तारीख पे हम लोग आए हुए हैं, दिल्ली से आए हुए हैं जी, और क्या नाम धन्नाहार भी हमने रिपोर्ट लगाई है, वहाँ पे भी कोई हमें नकल हमें कहीं पे भी नहीं दी जाती है। अच्छा, जो हम नकल प्रार्थना पत्र देती है उसका कोई वो नहीं, कोई प्रूफ हमें नहीं देते, न जवाब मिलता है, सिर्फ मिलती है तो तारीख लेते रहते हैं और हम भागते रहते हैं कि अगले आज भी हम भाग के ही आए हैं।
कहाँ रहते हैं आप लोग? हम लोग दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली से आए हो? हाँ, दिल्ली से आए। अच्छा, आप लोगों की शादी कब कब हुई थी? हमारी शादी तो बहुत साल पहले। बहुत साल हो गए। तो निसंतान दिखा दिया है उनको? निसंतान दिखा दिया है आपके पिता को? हाँ। जबकि आप चार बहन हैं? हम चार बहन हैं। हम तो बहुत साल तक अपने गाँव में ही रहे हैं, हम सबसे बड़े हैं। अच्छा, मेरा नाम भी जानती है, मेरा नाम भी यहाँ के ही। हमारे तो पांच बच्चे हैं, यहीं के हैं, मगर आज हम देख रहे हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। कितना, आज हम बेघर हैं। कितना बीघा जमीन था आपका? 15.5 बीघा जमीन। सब पे कब्जा कर लिया? सब पे कब्जा। कब्जेदार कौन कौन है? कप्तान सिंह है, महारानी है। अच्छा, आपका घर पे भी कब्जा कर लिया? घर पे कब्जा नानक चंद ने कर रखा है। ये कौन था नानक चंद? ये धोबी है, पोस्टमैन है। पोस्टमैन मेरे पड़ोस का ही है। अच्छा, तो वो पोस्टमैन है। अच्छा, आपके पिता की मौत कहाँ हुई थी? रठेरा में हुई थी। क्या 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 करते थे? ट्रैक्टर चलाते। किसका? केसी यादव का। भेजे थे मानी देवारी लाल के पास। अच्छा, तो देवारी लड़कियां रहती नहीं थी। एक लड़की इनकी जो है, तो देवारी लाल के साथ लड़कियों के साथ ही रहती थी वो? तो नहीं रहती थी, यहीं पर रहती थी। अच्छा, देवारी लाल यहाँ रहते थे, लड़कियां अपनी ससुराल में, एक लड़की तो अपनी दूसरी जगह। अच्छा, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? रठेरा में हुई थी। चलिए।